निकल रहे हैं और ये देखो हिरन, ये देखो कितने सारे हिरन खड़े हैं। प्लॉट साइड खड़े हैं हम अपने, ये प्लॉट है हमारी जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बना रहा हूँ मैं, और बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ कि व्लॉगिंग हमेशा घर पे ही करते हैं, पर आज कोई फैमिली वाले साथ में नहीं आए हैं, मैं अकेला आया हूँ। क्योंकि अभी आपको पता ही है, वीडियो में देखा होगा आपने कि थोड़े टाइम पहले हम आए थे रजिस्ट्री करवाने के लिए। एक प्लाट लिया हमने बेल पड़ाव में, तो उस प्लाट की रजिस्ट्री करवा के हम चले गए थे, और रजिस्ट्री के लिए बार बार कॉल आ रही थी कि अपनी रजिस्ट्री ले जाओ। तो मैं आया हूँ रजिस्ट्री लेने के लिए, और साथ में हैं सोनू पाजी और पीछे हैं हमारे सन्नी पाजी। तो हम सारे जा रहे हैं अभी प्लाट पर, और प्लाट लेने के बाद प्लाट पर जाके प्लाट देखेंगे ज़रा, और देख के देख वहाँ पे जाके, और उसके बाद जाना हमने वकील के पास, वकील से अपनी रजिस्ट्री उठानी है। तो आपको दिखाते हैं प्लाट भी, और वहाँ पे जब रजिस्ट्री कलेक्ट करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं आगे चल के। सुमित पाजी को देख के बड़ा दिल खुश हुआ है, और मैंने सरप्राइज दिया है। सरप्राइज दिया, मैंने बताया नहीं, सीधा आगे दरवाजे से अंदर मैं कोई है, मैं भी चौंक गया। पहुँच चुके हैं प्लॉट के पास में, और ये है यहाँ पे पेट्रोल पंप भारतीय, और ये रोड सीधा नैनीताल के लिए जाता है, और बैक साइड पीछे रामनगर गिरजा मंदिर, गिरजा मंदिर से रोड आता है सीधा, और बीच में हनुमान धाम पड़ता है। जिम कॉर्बेट पार्क काला ढूंगी जहाँ जंगल सफारी होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये सेकंड पेट्रोल पंप है, और साथ में सीएनजी पंप भी है। इसके बाद यहाँ से सीएनजी पंप और कोई नहीं है, लास्ट सीएनजी पंप ये है नैनीताल से पहले जो पड़ता है। और ये यहाँ की मार्केट है सारी, ये यहाँ पे है बेल पड़ाव चौक, ये सीधा निकल जाता है नैनीताल के लिए, और ये राइट साइड हल्द्वानी, और ये बाजपुर रोड है, ये यहाँ की मार्केट है पूरी। ये यहाँ पे सारी मार्केट है, ये दुकानें हैं, सारे शोरूम तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, ये टाइल्स का, पत्थर का, वेल्डिंग का, और यहाँ स्टील वेल्डिंग वाले, ये सारे शोरूम बन रहे हैं लाइन से। और ये रिजोर्ट है, रिजोर्ट के बाद ये यहाँ पे कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है, और बहुत बसावट हो चुकी है, और सारे मतलब अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे ठीक। और ये यहाँ पे स्कूल है, यहाँ का प्राइवेट स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है, और एक ये है, और एक कॉर्बेट रिजॉर्ट राइट साइड में अंदर। मेन हाईवे है जो बेल पड़ाव से इधर बाजपुर की तरफ जाता है, ये बाजपुर रोड बोलते हैं इसे, और ये प्लॉट है हमारा, वहाँ गेट की एंट्री है, और यहाँ से ये दुकानें हैं, ये भी सेल हो चुकी है आगे ना, ये दो बड़ी बड़ी शॉप है। शॉप से फिर वो हमारा प्लॉट है, ये बाउंड्री आगे दिख रही है प्लॉट, ये बाहर गली आ रही है यहाँ से। गेट से एंट्री कर लिया हमने, और ये यहाँ पे 22 फीट की रोड है, और ये सारी प्लॉटिंग हो रखी है, यहाँ सारा सेल हो चुका है, ये जो बाउंड्रियाँ हो रखी है सब सेल है। ये सेल के लिए, अगर किसी को सेल के लिए चाहिए हो तो वो कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। और ये आगे ये अपना प्लाट आ गया की सफाई हम करके गए थे थोड़े टाइम पहले। ये अपना 260 गज का प्लॉट है, और प्लॉट पे आ चुके हैं वो पाजी, आ रहे हैं पैदल। जो वहाँ पे वो मकान है वहाँ पे हाईवे है, यहाँ पे अभी 4 लाइन बननी है हाईवे पे। एल टाइप प्लॉट है, और यहाँ पे भी एक एल टाइप है जो ये ख़रीदा हुआ है किसी ने, उनका नंबर मेरे पास है, सेल के लिए इन्होंने भी कर रखा है यहाँ पे।
यहाँ पे पानी का टैंक है और वहाँ पे वो लैटरिन का टैंक बना हुआ है। एक रूम यहाँ पे सामने और ये जो है पूरी लॉबी, बहुत बड़ी लॉबी है। सेकंड रूम यहाँ पे, ये किचन है, एक रूम ये है, एक रूम ये। डीपीसी हो रखी है यहाँ पे और बाउंड्री हो रखी है प्लॉट की। वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, इस बाउंड्री के उस तरफ भी प्लॉट है हमारा। ये बाउंड्री से साइड में हमने गैलरी की जगह भी ली हुई है, 3 फुट यहाँ तक भी जगह है हमारी। अभी आगे ना इसके बाद तो यहाँ गैलरी बनेगी, ये इसलिए हमने ले ली क्योंकि यहाँ पे खिड़कियाँ निकल जाएगी और यहाँ पे गैलरी बाइक वाइक भी खड़ी हो जाएगी। बाकी स्पेस तो आगे भी बहुत है बाइक के लिए, गाड़ियों के लिए। यहाँ से कम 2 गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी, 2 या 3 गाड़ी खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। ये पूरा स्पेस है, वो सामने गेट पे, ये हाईवे, ये गेट लगा हुआ, ये हाईवे है, 100 मीटर अंदर है मेन हाईवे से। तो हम चलते हैं अपनी रजिस्ट्री लेने के लिए, कॉल की हुई है, वो बाहर ही आएंगे हमें रजिस्ट्री देने के लिए। पाजी, ये वाला लैटरिन का है, ये पानी का है, वो पानी लैटरिन का है। ये वाला और ये दीवार है, दीवार से भी उस तरफ 3 फुट हो रहा है हमारी ज़मीन, परली तरफ भी गैलरी बनेगी यहाँ पे पूरी। वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह जो भी कमरों की निकलेगी उस साइड निकलेगी। ये रूम, एक ये रूम है, उसके आगे रूम, बीच में लैटरिन बाथरूम, फिर वो रूम, फिर वो रूम, ये पूरी लॉबी, लॉबी के बाद में यहाँ पे इस टैंक के ऊपर ही यहाँ पे एक बड़ी किचन बनेगी, किचन। और ये पूरी पार्किंग, मेन गेट, ये स्पेस, यहाँ पे मेन गेट आएगा। कैसी लगी लोकेशन? हाईवे से है, अच्छा, ओके। पिंड के अंदर तो नहीं है ज़्यादा? ना, ठीक है। ये पाजी तो लगता परजाई से बिजी हो गए, परजाई की कॉल आ गई है, पर ये नहीं पता कौन सी वाली परजाई। पाजी देखो कैसे मुस्कुराए। चलिए अब मिलते हैं, रजिस्ट्री लेते हैं, बाहर अभी आने वाले हैं, वो कॉल आएगी उनकी। हमारी रजिस्ट्री आ चुकी है हमारे पास, वकील साहब अभी रजिस्ट्री हमें दे के गए हैं, हमें हैंड ओवर कर दी है। और व्लॉग में मतलब वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, मुझे व्लॉग में मत लो, तो इसलिए हमने उनको दिखाया नहीं रजिस्ट्री लेते टाइम। और ये आ चुकी है हमारी रजिस्ट्री, इसके अंदर पर उनका एड्रेस वगैरह होगा, ये है। और ये रजिस्ट्री कराई है मैंने अपनी बाइक के नाम, उत्तराखंड में कुछ ऐसी रजिस्ट्री होती है। और ये हमारी रजिस्ट्री, ये हमारा प्लॉट, और ये हमारी गाड़ी। और कल से गाड़ी धूल मिट्टी में चल चल के, गाड़ी की हालत देखो क्या हो चुकी है। ये कहीं अभी मुझे वॉशिंग करवानी पड़ेगी गाड़ी की, ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमें, और अब चल के हम करते हैं कहीं पे सेलिब्रेट, कुछ खाना पीना खाएंगे, फिर पार्टी बनाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली, जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, करना आप लोग, आपकी बहुत हेल्प चाहिए। तो हम उस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो चुका है, और हमारे 2 भाइयों के साथ भी हो चुका है, और किसी के साथ ना हो, उसको इतना शेयर करना है, वीडियो को इतना शेयर करना है कि कोई और गरीब आदमी उसमें ना फंसे, इसलिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, थैंक यू। निकल रहे हैं और ये देखो हिरन, ये देखो कितने सारे हिरन खड़े हैं। ये हम अपने प्लाट से निकल रहे हैं वापसी के लिए, दिल्ली के लिए, थोड़ा सा आगे आए हैं। हिरनों का झुंड है जो ये नीचे जा रहे हैं, हिरन सामने खड़े, बहुत सारे तो नीचे चले जा चुके हैं। ये देखो ये भागे,